क्लास 11 इंग्लिश सब्जेक्ट। ध्यान रखिए, आपके सिलेबस में से बहुत सारा यूनिट को हटा दिया गया है। जो अपन अभी कर रहे हैं दैट इज हॉर्नबिल, और हॉर्नबिल में द टूट, सिल्क रूट, ये सारी की सारी सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। और जो डिलीटेड सिलेबस है वो आपको आपके ग्रुप में भेज दिया गया है। जितना भी हमारे पास लिख के आया उसके अकॉर्डिंग स्नैपशॉट अब सिलेबस में नहीं आएगा, दैट इज ओनली फॉर रीडिंग। तो अभी अपन ने जितने भी करे हुए लेसन वही इम्पॉर्टेंट है और वही आपको करने हैं, ठीक है। मैं हॉर्नबिल की एक और पोयम को यहाँ पर करा रहा हूँ, दैट इज फादर टू सन, पिता अपने पुत्र से। दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स, यह एलिजाबेथ जेनिंग ने लिखी थी। और हमेशा ध्यान रखिएगा, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी का अपोज करती है। जो आने वाली पीढ़ी होती है वो अपनी पुरानी पीढ़ी का अपोज कर लेती है, विरोध करती है। इसी को यहाँ पर फादर टू सन में डिफाइन किया गया है। तो फादर टू सन में मेरे पास एक पिता और पुत्र, जिसको अपन जनरेशन गैप कहते हैं, जनरेशन गैप को यहाँ पर डिफाइन किया गया है और उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड है वो इस प्रकार है। फर्स्ट इज प्रोडिगल, वेस्टफुल अपव्यय, यानी क्या हो गया, जो बेकार चला जाता है, वेस्ट होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रोडिगल बोल देते हैं। सेकेंड इज ग्रीफ, ग्रीफ यानी दुखी, शोक, सारो, ठीक है, दुख पहुंचता है, उस टर्म के लिए हम यहाँ पर ग्रीफ वर्ड का यूज करते हैं। थर्ड इज एम्प्टी या खाली, ठीक, इस वर्ड को हम क्या बोल देते हैं, एम्प्टी बोल देते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है और इन्हीं वर्ड्स को इस यूनिट में लिया गया है। देखिए मेरे पास यहाँ पर जो सेंट्रल आइडिया है इस पोयम का वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंट्रल आइडिया ऑफ पोयम मीन्स पोयम का या कविता का जो सार है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। दिस पोयम इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम, ऑटोबायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल यानी ऑटोबायोग्राफिक का मीनिंग आपको जान मालूम हो, ऑटो बायोग्राफी, इसका मतलब होता है आत्मकथा, आत्मकथा। तो उसी वर्ड से ये लिखा हुआ है ऑटोग्राफिक, ऑटो बायोग्राफिकल। दिस पोयम इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम, यानी यह एक वो कविता है जो आत्मकथा से संबंधित है। खुद की ऊपर क्या बीतती है, क्या होता है जीवन में, वो अगर किसी को लिखा जाता दैट इज कॉल्ड द ऑटोबायोग्राफी। इट डिस्क्राइब द एक्सक्लूसिव पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी ये क्या करती है, एक्सक्लूसिवली यानी पूर्ण रूप से, पर्सनल व्यक्तिगत रूप से, एक्सपीरियंस यानी अनुभव। यह पोयम अपने स्वयं के अनुभव के रूप में खुद को बताती है। इस कविता में जो लिखा हुआ है वो एक पिता और पुत्र के बीच के जो जनरेशन गैप हो जाता है, पिता अलग सोचता है, पुत्र अलग सोचता है, ठीक है, वही अपने हर कंडीशन में हर समय ये सदियों से चला आ रहा पिता पुत्र के बीच में जनरेशन गैप। तो यहाँ पर जो लेखक के ऊपर बीता है उसने स्वयं इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। हाउएवर इट्स अपील इज फेयरली यूनिवर्सल, लेकिन आपको इस कविता में जो लिखा हुआ है वो सर्वमान्य है, सब जगह ट्रू है, जानकारी लगती रही है और वह होता रहा है,
वो यहां पर बताया गया है। बोथ द फादर एंड द सन्स आर पोल्स अपार्ट, यानी क्या हो गया, पोल्स अपार्ट, यानी पिता और पुत्र हमके सोचने की क्षमता या ढंग हमेशा से दोनों का कैसा होता है, अलग अलग होता है। यहीं पर यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, बोथ द फादर एंड द सन आर पोल्स अपार्ट, पिता और पुत्र दोनों की सोच अलग अलग होती है, देयर इज अ जनरेशन गैप, यानी जनरेशन गैप, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में जो सोच का अंतर आता है उसी को जनरेशन गैप कहते हैं। तो दोनों पिता और पुत्र की सोच अलग अलग है, देयर इज अ जनरेशन गैप, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, गैप बिटवीन द टू, दोनों पिता और पुत्र की जनरेशन के गैप में अंतर आया है, सोचने के तरीके में अंतर आया है, यही बताया गया है। ठीक है, दोनों के मध्य जनरेशन गैप है। दे थिंक एंड लिव डिफरेंटली, वो दोनों अलग अलग तरीके की सोच रखते हैं और दोनों ही क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से रहते हैं। इस कविता में लेखक ने इसको बताया हुआ है कि उसके और उसके पुत्र के बीच में जो सोच है, रहने का तरीका है, संवाद है, वो टोटली अलग होता है और इसी को इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, यही इस कविता का सार है। दे हैव बिकम स्ट्रेंजर टू ईच अदर, और क्योंकि वो दोनों अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग काम करते हैं, इसलिए वे एक दूसरे से अजनबी के जैसे व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ एन अर्ज फॉर रीयूनियन द सेपरेशन कंटिन्यूस एंड कॉन्ट हेल्प। ठीक, यानी क्या हो गया इसका मतलब, वे दोनों एक साथ इकट्ठे रहने की जगह लगातार दूर होते जाते हैं, यानी क्या हो गया, पिता और पुत्र दोनों बिल्कुल अलग अलग सोच रख रहे हैं, अलग अलग रहने का तरीका है, अलग अलग काम करने का तरीका है, वो इकट्ठे होने की जगह दोनों अब कैसे हो रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ एन अर्थ और यूनियन द सेपरेशन कंटिन्यूस एंड कांट हेल्प, और वे दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते जाते हैं और अब इनकी कोई भी मदद नहीं की जा सकती है, ये इसमें इस आत्मबोध या लेखक या कवि और उसके पुत्र के बीच में जो आया हुआ है वो इसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो कुल मिला के अगर मैं इस यूनिट का भावार्थ देखूँ शॉर्ट में हो तो बोलूँ कि पिता और पुत्र दोनों अलग अलग तरीके से सोचते हैं, काम करते हैं, रहते हैं, और ये जो जनरेशन गैप है कभी इकट्ठा नहीं हो पाता और दोनों अपने अलग अलग तरीके से रहना स्वीकार करते हैं, इसी को कवि ने कविता के रूप में इसमें दिखाया गया है। ठीक है।